जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का दूसरा दिन पुनिया बोले बीजेपी कांग्रेस या आप सभी दलों का स्वागत। भारतीय कुश्ती महासंघ और उसके अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह से विवाद पर पहलवानों का जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी है। लगभग 3 महीने के बाद जंतर मंतर पर रविवार को दूसरी बार विरोध प्रदर्शन में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक धरने पर बैठे हैं। पहलवानों के धरने का आज दूसरा दिन है। पहलवानों का कहना है कि वे भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ जांच समिति की रिपोर्ट आने तक धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। पहलवानों के धरने के बीच दिल्ली पुलिस सक्रिय हो गई है। उसने सोमवार को बयान जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों के विरोध के बीच दिल्ली पुलिस ने उनकी शिकायत की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने खेल मंत्रालय द्वारा गठित जाँच समिति से रिपोर्ट मांगी है। बजरंग पुनिया ने कहा कि इस बार सभी दलों का हमारे धरने में शामिल होने के लिए स्वागत है, चाहे वे भाजपा, कांग्रेस, आप या कोई अन्य पार्टी हो। हम किसी भी पार्टी से संबद्ध नहीं है। पिछली बार जनवरी में पहलवानों ने किसी भी पार्टी के सदस्य को मंच पर नहीं आने दिया था। विनेश फोगाट ने किया भावुक ट्वीट। विश्व चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहलवान विनेश फोगाट ने एक भावुक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, पोडियम से फुटपाथ तक आधी रात खुले आसमान के नीचे न्याय की आस में। पहलवानों ने खेल मंत्रालय पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। रविवार को धरने पर बैठने आए पहलवानों ने खेल मंत्रालय पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। पहलवानों ने कहा कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। 1 महीने में कार्रवाई का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब 3 महीने के बाद भी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। साथ ही कहा कि सरकार ने पहलवानों को जो आश्वासन दिया था वह झूठा निकला। सरकार ने पहलवानों के साथ धोखा किया है। भारत को पदक दिलाने वाले एथलीट्स के आंसू भी छलके। साक्षी और विनेश रोपणी, उन्होंने कहा कि पहलवानों को अब झूठा कहा जा रहा है जबकि वह सच्चाई की लड़ाई लड़ रही हैं। कोई फैसला न आने तक वह फिर से अब धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। पहलवानों ने कहा कि WFI शक्तिशाली है तो क्या उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। इससे पहले जनवरी में पहलवानों ने जंतर मंतर पर धरना दिया था। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण और कोच पर यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद तुरंत ही जांच समिति का गठन कर दिया गया था। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर ली, लेकिन उस बारे में धरने में शामिल हुए पहलवानों को नहीं बताया गया। इससे वह निराश हो गए और अब फिर से जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। पहलवानों का प्रदर्शन जनवरी में 3 दिन तक चला था। पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बातचीत के बाद धरने को समाप्त किया था। उस समय ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से अस्थायी रूप से हटा दिया गया और उनके ऊपर लगे आरोपों की जांच के लिए समिति बना दी गई थी।